लोग कहते हैं कि दूर से आते हुए व्यक्ति की अगर पहचान करनी है कि उसका नेचर कैसा है तो उसका पहनावा को देख लीजिए। दूर से उसके पहनावे को देख करके हम उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि ऐसा लोग कहते हैं। एक टीचर बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी बुक के मैक्सिमम यूटिलिटी का पता दूर से लगा सकता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज मैं बात करने वाला हूं एक और बुक के रिव्यू के बारे में। जैसा मैंने ये कोटेशन दिया है, ये कोटेशन मेरा नहीं है पहला वाला, दूसरा वाला मेरा है कि एक टीचर दूर से पता लगा सकता है कि कौन सी बुक का यूज बच्चे ज्यादा करते हैं। अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी की शेल्फ में रखी हुई बुक को देखेंगे तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि वो बुक कितना यूज हुआ है। शायद आपको बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं अच्छे तरीके से। मेरे पास आज दो बुक है, इन दोनों बुक में तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी। पहले ये बुक देख लीजिए, इस बुक को दूर से देखते ही आपको क्या लग रहा है? इस बुक की हालत देखिए, इस बुक के जो पेजेस हैं उसके एजेस को देखिए, इनका कलर एकदम नए से बिल्कुल पुराना हो चुका है, फैड हो गया है, मटमैला हो गया है। और इसके बुक को भी अगर आप देखेंगे तो इस बुक के हर एक पेज को टच किया जा चुका है, यानी कि ये बुक मैक्सिमम यूज हुआ है। जब कभी मैं अपनी बात करूं, लाइब्रेरी में जाता हूं और लाइब्रेरी में देखता हूं कि फार्माकोलॉजी के शेल्फ में कितनी बुक ऐसी हैं जिनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बच्चे करते हैं, तो उन बुक में से ये बुक जो आज को आपको दिखाऊंगा वो एक होती है, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम इस बुक को प्रीफर करते हैं, खास करके डिप्लोमा और डिग्री के बच्चे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक बुक रिव्यू की। आज का जो हमारा बुक रिव्यू है वह है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट एडिशन था, और आज जिसके बारे में बात करूंगा उसी बुक का सेकंड एडिशन, दैट इज लेटेस्ट एडिशन के बारे में। तो इन दोनों बुक की मतलब एडिशन वाइज चेंज में क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जो बुक है इसमें हर एक चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि यहां पे साफ लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट एज पर द न्यू एंड लेटेस्ट गाइडलाइंस सिलेबस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे पहले जितने भी बुक्स आपने देखे हैं उनमें कहीं भी स्पेसिफिकेशन ये नहीं होता कि वो फार्मेसी स्टूडेंट के सुटेबल है कि नहीं, हालांकि सारे बुक्स सुटेबल है उन सब डिसिप्लिन के लिए जिनमें फार्माकोलॉजी होती है। इस बुक में अलग क्या है? ये बुक एंट्री लेवल बुक है, खास करके ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा में अभी अभी रिसेंटली एडमिशन लिए हैं या डिग्री में फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी वन को। ऐसे में क्या होता है, उनकी एक साइकोलॉजी होती है कि आप बड़े सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो वो सब्जेक्ट शुरू से अगर आप उसको समझ के चलते हैं कि वो टफ होने वाला है, क्योंकि सीनियर सब बच्चों को कह देते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इस टफनेस को ईजी बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पद्मजा उदय कुमार की बुक का। मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें जो बुक्स का रेफरेंस लिया है उन बुक के रेफरेंस में ये बुक भी एक है। इसमें कुछ खास बात तो है तभी तो मैं इसको यूज करता हूं और आपके लिए रिव्यू लेकर के आ रहा हूं। ये एक पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स कंप्लीटली अनबायस्ड, जिसमें मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशन वगैरह हैं। देखिए सबसे अच्छा एडवांटेज ये है इस बुक का कि इसकी लैंग्वेज बड़ी इजी है, एक बार में भी अगर आप पढ़ेंगे इस चीज को तो ग्रास्प कर लेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड क्लिस्टी वर्ड का यूज नहीं किया गया है, इसलिए आपके अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। दूसरा, इसे कुछ हाइलाइट्स है जिनके मैं और डिटेल से वीडियो इसी वीडियो के बाद अटैच कर दूंगा पावर पॉइंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके। सबसे पहली खास बात इसकी ये है कि इसमें चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है, इसके अंदर का जो कंटेंट है बहुत ईजी है। जैसे आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर फ्लो चार्ट यूज किया गया है, यहां पर छोटा छोटा टैबुलेशन यूज किया गया है, जो बाकी बुक में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको यहां पर इन्होंने डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप जीपीसीआर की बात करेंगे तो कई बुक्स ऐसे उठा के देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, उसके स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कई बार हमें भी समझ में नहीं आते हैं कि एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है या कहां से कहां उसका डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। इसमें सिंपलेस्ट डायग्राम यूज किया गया है ताकि बच्चे एक बार में समझ में आ जाएं, लेकिन इसकी कमी यहीं पे आपको दिख रही है। इस पूरे डायग्राम में हालांकि केवल बॉर्डर को कलर्ड किया गया है, अगर इसको थोड़ा सा और एनिमेटेड टाइप का रूप दिया गया होता, कलर्ड डायग्राम दिए होते तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं थी, केवल दो चीजों को यहां पर तीन चीजों को कलर फॉर्म में दिखाया जा सकता था, अल्फा बीटा गामा सब यूनिट को, तो और अच्छा से हो सकता था, लेकिन ये भी इजी पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने के लिए काफी है। यहां पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट के रूप में दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें आप अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के बीच में भी देख सकते हैं। मैं केवल आपको हाईलाइट दिखा रहा हूं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल से अपने सेकंड वाले सेक्शन पे। यहां पे देखिए टेबुलेशन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक जगह प्रोवाइड की गई है, यहां पे हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना चाहिए उनको कंपाइलेशन किया गया है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक होता है,
किनका नहीं होता, किनकी बायोबिलिटी ओरल रूट में भी बहुत ज्यादा होती है, इक्विवेलेंस टू 100% नॉट 100% उनकी लिस्ट दी गई है, कौन कौन से ड्रग हैं, उनका एक्टिव फॉर्म यानी कि उनका प्रो ड्रग का फॉर्म क्या होगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। सो इंपॉर्टेंट चीजों को खास करके ड्रग इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव ही यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक लिमिटेशन और भी कह दूंगा मैं, एक प्रकार से कह लीजिए कमी है, जब अब ये पूरी तरह से पीसीआई सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जरूर एड कर देना चाहिए था, या तो टॉपिक के बाद या तो यूनिट के बाद, तो इसकी कमी बिल्कुल भी हट जाती, पूरी तरह से ये एकदम यूजफुल हो जाता, क्योंकि उसके हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, दैट विल बी अ बेटर एडवांटेज अगर वो नेक्स्ट एडिशन में ऐसा कर सके तो। उसके बाद देखिए यहां पे जो भी प्रोसेस फ्लो हो रहा है उसको सिंपलेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कहीं यहां ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधे है। साथ में जो ऐसे ड्रग हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे बिलोंग करते हैं, काम करते हैं, उनका शॉर्ट लिस्ट दिया गया है, कार्डियक पे कौन सा है, हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा कॉज करते हैं, या फिर लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सा कॉज करते हैं, इनका एक साथ एक जगह टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं इनमें जो इनको खास बनाती है। एक और देखिए यहाँ पे मेमोनिक्स डाला गया है कि कैसे आप चीजों को याद करते हैं, हमने भी डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे कैसे भी ड्रग को कैसे याद किया जाए इसके ट्रिक्स के बारे में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हर एक चीज को टेबल के फॉर्म में डिटेल से दिया गया है, कंपेयर किया गया है, स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट किया गया है कि कौन सा ड्रग है आपका, उसका डोज क्या होगा, रूट क्या होगा, उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, उसका मार्केटेड नेम क्या है, ब्रांड नेम क्या है वो है, और उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स जो हैं वो क्या हैं, वो भी यहां पे ऐड किया गया है। तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसी चीजें अलग हैं जो आप उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होंगी जिन्होंने पहली बार फार्माकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि उस समय अगर आपको फार्माकोलॉजी समझ में आने लगता है या आप उसे पसंद करने लगते हैं तो वो आपको आने वाले सेमेस्टर्स में काफी ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर वो टफ होता जाता है। यहां पर एक और पॉइंट है, यहां पर स्पेसिफिकली आपके वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से वैक्सीन हैं, कौन कौन से वैक्सीन के एक्टिव कंपोनेंट हैं, उनका यूज क्या कब जाना चाहिए, क्या उनका बूस्टर डोज जरूरत है कि नहीं है, उनका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है, और ये आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां भी देखिए आपके जो पॉइजन है उनका एंटीडोट क्या होगा वो यहां पे दिया गया है, कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिनका यूज हम बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करते हैं, उनका हाइपर डोज अगर चला जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी और उनको कैसे एंटागोनाइज करें वो भी यहां पे दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक हाईलाइट थी। एक शब्दों में अगर मैं कहा जाए इस बुक की खास बात वो है उसकी लैंग्वेज। जैसा मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं होता कि बुक कितने बड़े पब्लिशर की है या कितने बड़े राइटर की है, जरूरी ये होता है कि क्या वो चीज आपके काम की है, अदरवाइज वो आपके काम की नहीं है तो वो किसी भी तरीके से आपके लिए यूजफुल नहीं हो सकती। तो ये एक छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक में से है। मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको कि ये बुक आप एक बार जरूर देखें, इससे आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये बुक आपके शेल्फ में एक हो सकता है और इसे अगर आप अपने लाइब्रेरी में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी खास बात क्या है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड प्रेजेंटेशन पे, जहां पे मैं आपको अंदर के कंटेंट के बारे में और जो बेसिक पॉइंट्स हैं इनको मैं हाईलाइट करूंगा, वो भी आप देखिएगा, फिर आप डिसाइड करिए कि ये बुक आपके लिए है कि नहीं। रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, समराइज करूं, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक में से एक है। इसकी कमियां बस ये है कि इसमें कलर ज्यादा यूज नहीं किया गया है, जो डायग्राम है बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, उनको फुल पेज दिया जा सकता था, एटलीस्ट हाफ पेज दिया जा सकता था, हर एक टॉपिक के बाद, अगर टॉपिक नहीं तो कम से कम हर एक यूनिट के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऐड किए जा सकते थे। केस स्टडी इसमें बिल्कुल नहीं के बराबर है, उसमें केस स्टडी को भी इंक्लूड किया जा सकता था। ये दो तीन चीजें अगर ये इंप्रूव हो गई तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक, बट अभी भी 90% ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है, खास करके डिप्लोमा के बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री के बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एम फार्मा में आप इसके अलावा दूसरी तीन बुक को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डिटेल वीडियो पे। तो यह है हमारे फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट के बुक का कवर पेज और लास्ट पेज। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा साफ लिखा हुआ है, अस पर लेटेस्ट सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो अगर आप बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिफ्थ के हैं या सिक्स के हों, कोई भी सेमेस्टर के स्टूडेंट क्यों ना हो, फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स आपको आसानी से इस बुक के कंटेंट से मिल जाएंगे। तो चलिए एक नज़र लगाते हैं बहुत तेज तरीके से कि इसके कंटेंट कौन कौन से हैं। इसमें अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में। अंडर द जनरल फार्माकोलॉजी वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हमको फार्माकोकाइनेटिक पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोडायनामिक पढ़ना पड़ेगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन हमको देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आपके ड्रग डेवलपमेंट, आसे, सार, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप,
इनेंसियोमर्स, नोमेनक्लेचर, एसेंशियल मेडिसिन, ड्रग रेगुलेशन एंड रिलेटेड टॉपिक को इसके अंदर आप डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा मेन पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन में मूव करेंगे तो आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंगली फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत हमारा जो सब टॉपिक है वह है इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनोमाइमेटिक ड्रग। नेक्स्ट वन इज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। अगला है आपका एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। 11th पॉइंट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड इन मायस्थेनिया ग्रेविस एंड ग्लाउकोमा। द नेक्स्ट वन इज लोकल एनेस्थेटिक। इसके अंदर सब टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको आप फर्दर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में। तो यह है आपका फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग विच आर एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। काफी स्कोरिंग यूनिट होता है ये सीएनएस पे काम करने वाले ड्रग का। इसके अंतर्गत है आपका न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस। नेक्स्ट वन जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। पहले यह केवल जनरल एनेस्थेटिक के नाम से हुआ करता था, इसमें अब प्री एनेस्थेटिक ड्रग को भी ऐड कर दिया गया है टॉपिक में। नेक्स्ट वन इज सेडेटिव हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट वन इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगला है आपका अल्कोहल एंड इट्स एंटागोनिस्ट डाइसल्फिनॉन। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे तो यह एंटी साइकोटिक एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है इसी के अंदर एंटी डिप्रेशेंट एंड मूड स्टेबलाइजर। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज इन पार्किंसोनिज्म एंड अल्जाइमर डिजीज। दिस इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ईजी टॉपिक में से एक है ये। नेक्स्ट है आपका ओपोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। इसके अंदर पढ़ेंगे आप ओपोइड जैसे काम कैसे करता है और इसका अगर ओवरडोज रहा है तो उसको कैसे एंटागोनाइज करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड ड्रग अब्यूज। कौन से ड्रग एब्यूजिबल है इसका पूरा चार्ट आपको इस बुक में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। यानी कि ऐसे सारे के सारे ड्रग, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, उनसे रिलेटेड डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबुलेशन, जो कि आपकी यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करते होंगे। इसके अंतर्गत पहला है आपका डायुरेटिक एंड एंटी डायुरेटिक। ये जो डायुरेटिक है वो आपके इक्वली सीवीएस में भी काम आएगा। सो नेक्स्ट वन इज सेक्शन 5, और इस सेक्शन 5 में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर के हों, आपके सिलेबस से मैक्सिमम पोर्शन इस बुक से आसानी से कवर हो जाएगा विद ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के साथ। इसके अंतर्गत सीबीएस के अंदर हम देखेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड अदर वैसो एक्टिव पेप्टाइड। नेक्स्ट है इसी के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर एंड फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड मतलब आप कॉग्निशन में भी पढ़े होंगे इस चीज को, तो उसके लिए आप बिरेन साह को भी प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग। ऐसे ड्रग जो कि एरिथमिया को मैनेज करने में यूज किए जाते हैं वह एंटी एरिथमिक ड्रग कहलाते हैं। अगला सब टॉपिक है सेक्शन 5 के अंदर, वह ड्रग यूज इन इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो ये हमारा 29वां पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 30वां पार्ट इसी सेक्शन के अंदर, वह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हो, बी फॉर्म, एम फॉर्म, मास्टर इन फार्मेसी हो या फिर किसी और टॉपिक का, तो ये आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग काफ़ी यूजफुल होगा। अगला है आपका हाइपोलिपिडेमिक्स। थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा एक्सपांडर, इंट्रावीनस फ्लूइड एंड फार्माकोलॉजी ऑफ शॉक। अगले है हमारा हीमेटेनिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि आपके ब्लड एज वेल एज हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते होंगे। नेक्स्ट वन इज एंटी कोएग्रेंट एंड कोएग्रेंट, जमाने वाले भी ब्लड को और ब्लड को क्लॉट होने से रोकने वाले भी ड्रग। नेक्स्ट है आपका फाइब्रिनोलाइटिक्स, एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग। उसके बाद आप देखेंगे इसी में एंटी प्लेटलेट ड्रग के बारे में। तो इस तरह से हमने सीवीएस कवर कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पे। इसमें आप देखेंगे ऑर्टोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग, इनका हम लोकल हार्मोन भी कहते हैं। इसमें डिस्कस करना होगा हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग के बारे में, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जिसे शॉर्ट में 5-HT कहते हैं, अर्गोट अल्कलॉइड एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इस टॉपिक के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट वन है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर वह नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसे शॉर्ट में हम NSAID या NSAID भी कहते हैं। ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 40th यूनिट अंडर दिस सेक्शन, दैट इज फार्माकोथेरेपी ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस एंड गाउट। गाउट काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले सेमेस्टर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 पे। तो यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंतर्गत है आपका हाइपोथैलेमस, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड देयर इनहिबिटर। नेक्स्ट वन इज थायरॉयड हार्मोन एंड एंटी थायरॉयड ड्रग। नेक्स्ट वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारा हो गया इसी सेक्शन के अंदर का। आगे बढ़ते हैं तो एजेंट अफेक्टिंग बोन मिनरल
टर्नओवर ईएसी सेक्शन के अंदर है। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। नेक्स्ट वन इज एंड्रोजन एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिन एंड हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंड द लास्ट वन अंडर दिस टॉपिक इज ऑक्सीटोसिन एंड ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अगर आपको याद होगा तो हमने भी इसके ऊपर डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं तो आपका सेक्शन 8वां शुरू होगा जिसमें डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत सब टॉपिक हैं ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ड्रग यूज इन कफ एंड एलर्जिक रिनाइटिस। इसके अंदर का सारे टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी हैं, खास करके आपके जो एक्सपेक्टोरेंट है वो क्वेश्चन में अक्सर पूछे गए हैं। सेक्शन 9वें की बात करें तो देखिए फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसके अंदर हमको पढ़ना है ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, एमेटिक, एंटी एमेटिक एंड प्रोकाइनेटिक एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, तो ये आपकी जीआईटी पे अफेक्ट करने वाले ड्रग की लिस्ट हो गई। सेक्शन 10 ये है कीमोथेरेपी, सबसे टफ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है कीमोथेरेपी। जनरल कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है सल्फोनामाइड, कोट्रामोक्साजोल, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोन्स इसके अंदर है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इंक्लूड किया गया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड इसके अंदर गया है, मैक्रोलीड एंड अदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंटी फंगल ड्रग है कीमोथेरेपी के अंदर, एंटीवायरल ड्रग इसमें है और एंटीवायरल के साथ साथ एंटी मलेरियल ड्रग भी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद आपका अगला है वह है एंटी एमीबिक ड्रग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंथेलमेंटिक एंड ड्रग यूज इन स्कैबिस एंड एडिक्यूलोसिस। नेक्स्ट है हमारा कीमोथेरेपी ऑफ यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी। नेक्स्ट वन आपका कैंसर कीमोथेरेपी एंड एंड द फाइनल वन अंडर दिस चैप्टर इज एंटीसेप्टिक एंड डिसइन्फेक्टेंट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सेक्शन 11 है इम्यूनोफार्माकोलॉजी। आज के डेट में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा समझा जा रहा है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 12, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे या इस बुक के अंदर आप पाएंगे टॉक्सिकोलॉजी एंड मिसलेनियस टॉपिक इसके बाद जो ऐड हो जाएंगे। इसमें मेनली है प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड किलेटिंग एजेंट, एंजाइम इन थेरेपी एंड इसके साथ साथ आप पढ़ोगे आप एंटी ऑक्सीडेंट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन। उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये थे हमारे डिफरेंट टॉपिक्स जो इस बुक में आपको आसानी से मिलेंगे, जैसे मैंने बहुत तेज से पढ़ा ताकि कवर हो सके। इसके बाद इसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे हैं बट कुछ कुछ चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज पेज नंबर 44। इसमें आपके जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं उनका जो ट्रांसडक्शन पाथवे है जो कि बहुत टफ होता है इन जनरल, तो उसको किसी दूसरे बुक में आप देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, बट इसमें बहुत सिंपल तरीके से जो किसी भी ड्रग के बाइंडिंग या फिर एंटागोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट इनके अट्रैक्शन को यहाँ पे साफ साफ सिंपल तरीके से बताया गया है। साथ में आप जब कभी भी किसी भी रिसेप्टर के मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो उसका फ्लो चार्ट बहुत मदद करेगा। तो इन दोनों चीज़ों को जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिस पे काम करते हैं IP3 DAG पाथवे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे एगोनिस्ट के एक्शन के कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस स्टेप हैं इनको भी फ्लो चार्ट में दिखाया गया है बहुत सिंपल वर्ड्स को यूज करते हुए। इसका जो और अट्रैक्शन है वह है कंपैरिजन। जब कभी भी हम किसी दो सिमिलर चीज़ों के बीच में स्टडी करना चाहते हैं तो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस बुक में आपको कंपैरिजन भी मिलेगा रिसेप्टर के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्या क्या होता है अप रेगुलेशन, क्या होता है डाउन रेगुलेशन। बाकी बुक्स में आपको केवल वन लाइन में सेंटेंस में डेजर्ट डेफिनेशन मिल जाएगा कि रिसेप्टर की संख्या का बढ़ना ये अप रेगुलेशन है, रिसेप्टर की संख्या का घटना ये डाउन रेगुलेशन है, बट यहाँ पे आपको उसी को फ्लो चार्ट में दिखाने की कोशिश करी गई है। इसका एक और हाईलाइट है वह है कंपैरेटिवली टेबल एंड कंपाइलेशन। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर में लिखा हुआ है कंपाइलेशन एंड सम यूजफुल एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। यहाँ पे ड्रग दैट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब ऑन ओरल इंजेशन, कौन कौन से ड्रग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इक्विवेलेंस नॉट एग्जैक्टली बट 100% इनकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, ये कौन कौन से ड्रग हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। ये जो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी टेबल के फॉर्म में या आपके GPAT, NIPR, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर या इसी तरीके से किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हों, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे किसी और डिसिप्लिन के हों। इसके नीचे पूरे कैटेगरी वाइज स्पेसिफिकली एग्जाम्पल दिए गए हैं ड्रग दैट अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म, कौन से ऐसे ड्रग हैं जो
बहुत तेजी तरीके से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं इनकी लिस्ट मिलेगी। ड्रग दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इनकी भी लिस्ट मिलेगी। एब्जॉर्प्शन जिनका इंक्रीज हो जाता है फैटी फूड में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ड्रग इंस्पेक्टर में काफी पूछे गए हैं, तो ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका कितना किसके हिसाब से होता है वो भी आपको मिल जाएगा। और ऐसे जो माइक्रोसोमल एंजाइम है जो एंजाइम को इंड्यूस करते हैं उनके बारे में भी मिल जाएगी। उसके बाद सब माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर की लिस्ट भी मिल जाएगी। इनसे उठा करके आपको रीजनिंग और केस स्टडी पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आप खुद चेक कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रोड्रग है बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिवोडोपा का प्रोडक्ट दिया गया है, एनालाप्रिल का प्रोडक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको पूरा कवर कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हिट एंड रन ड्रग ये एक नया कैटेगरी है, देखिए मतलब ट्राई करो, होता है कि नहीं होता है देखो, हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर दूसरा ट्राई करो, ये कहलाता है हीट एंड ट्रायल ड्रग। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कोट किए गए हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, हम केवल हाइलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा इंडिकेशन और उनके सिंपैथोमिमेटिक यूज के बारे में। यहाँ पे कार्डियक के बारे में बात करें तो कार्डियक अरेस्ट किसके द्वारा कॉज किया जाता है, हाइपोटेंशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऊपर में आप उसका फ्लो चार्ट भी देख रहे हैं। तो ये हर एक चीज आपको स्पेसिफिकली डायरेक्ट टू द पॉइंट के रूप में मिल रहा है, जो इसको थोड़ा सा अलग बनाता है दूसरे बुक से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। यहाँ पे एक खास बात यह है वो है मेमोनिक्स। अगर आप डायजापाम की मेमोनिक्स को याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेमोनिक्स दिया गया है, यानी कि याद करने का ट्रिक्स दिया गया है, टिप्स दिया गया है, इसी को माइंड में रख करके आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट हो गया इस बुक के रेस्पेक्ट में। कुछ और भी यहाँ पे जब नए ड्रग इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको भी ऐड किया गया है सेकेंड एडिशन में। कमिंग टू द नेक्स्ट हाईलाइट दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के अंदर की कैटेगरी, और इसमें वैक्सीन को यूज किया गया है। सो वैक्सीन इन कॉमन यूज एंड द रिकमेंडेड शेड्यूल, ये क्वेश्चन आप जब फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, जेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की या DI की, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें वैक्सीन देखिए, वैक्सीन का कौन सा एजेंट है वो यहाँ पे देखिए, उसका जो इम्यूनाइजेशन का तरीका है रूट ऑफ ड्रग एडमिशन के अंतर्गत वो कौन सा है, प्राइमरी डोज किस तरीके से दिया जाएगा, बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगा, और उसको कब कहाँ किस कंडीशन में दी जाती है इसकी पूरी जानकारी है। यहाँ पे आपको वैक्सीन के नाम में मिल जाएगा, आपको मेनिंगोकोकल, उसके बाद वायरल इन्फेक्शन के लिए मिल जाएगा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी, और इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। उसी तरीके से अपने राइट साइड देखिए, सम स्पेसिफिक एंटीडोट्स फॉर ड्रग एंड केमिकल, अगर किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो गई है, ओवरडोज हो गया है, तो उसके लिए कौन सा एंटीडोट अपन प्रीफर करेंगे, पैरास्टामोल के लिए क्या यूज करेंगे, साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे, एट्रोपिन के लिए क्या करेंगे, आर्सेनिक, लेड के लिए क्या होगा, वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है। जब हम बात करते हैं वारफेरिन की तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इवन जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तब भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वारफेरिन के ओवरडोज पे जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको कैसे रिड्यूस करें, कैसे कंट्रोल में लाएं, उसके लिए कौन सा एंटीडोट यूज़ करें वो यहाँ पे आपको मिलेगा, विटामिन K1 ऑक्साइड, फ्रेश ब्लड, फ्यूमेजेनिल, एसोडियम थायोसल्फेट, ये सब आप एज एंटीडोट यूज कर सकते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ऊपर देखिए तो डोज के रूप में कि कितना देना है, हालांकि डोज दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आपको मेनली पूछा जाता है कौन से ड्रग की ओवरडोज दे देने पे क्या प्रॉब्लम होगी और उसका एंटीडोट क्या होगा। तो इस तरीके से हमने इस बुक की कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट हाईलाइट को देखा है। सब कुछ यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने ये चीज़ें आपको शेयर कर दी है। ये जो बुक है स्पेसिफिकली डिप्लोमा इन फार्मेसी एज वेल एज डिग्री इन फार्मेसी दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब वो पहली बार एडमिशन लेते हैं और जब पहली बार फार्माकोलॉजी को पढ़ते हैं तो उनके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। इस बुक में आपको लैंग्वेज बहुत सिंपल, बहुत सटीक और बहुत आसान भाषा में मिल जाएगी। हमारे लेक्चर वीडियो में मैक्सिमम जिस बुक को हमने प्रिफर किया है उस लिस्ट में से इस बुक का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एंड दैट बुक इज फार्माकोलॉजी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट बाय पद्मजा उदय कुमार। इट इज पब्लिश्ड बाय CBS पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अपनी लाइब्रेरी में देखिए या अपने फ्रेंड्स के पास कॉन्टेक्ट करिए जिनके पास ये बुक है, एक बार नजर लगाइए, देखिए कंटेंट कैसा है, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर डिप्लोमा एंड डिग्री इन फार्मेसी एज वेल एज इन फार्माकोलॉजी टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।